हम लोगों ने मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ चुका था, आज उसका उत्तराधिकारी बना अहमद शाह। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह 1748 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा, यानी मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहमद शाह 1748 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। उस समय इसकी आयु 20 वर्ष थी, जब यह राजगद्दी बैठा उस समय आयु इसकी 20 वर्ष थी, और यह एक नर्तकी का पुत्र था। यह अपने मुख्य गुलाम जावेद खां पर विशेष मेहरबान था, यानी जावेद खां को बहुत ही छूट दे चुका था अपने दरबार में, और इनके दरबार में दो दल तुरानी और हिंदुस्तानी दलों के बीच झगड़ा या संघर्ष जो है कि लगातार जारी था। शुरू से ही जो उत्तरकालीन मुगल सम्राट हुआ उसमें दो दल मुख्य रूप से तुरानी और हिंदुस्तानी के बीच झगड़ा चल रहा था। तो मुख्य वजीर सफदर जंग के विरुद्ध जो वजीर था अहमद शाह का, सफदर जंग के विरुद्ध जावेद खान ने क्या किया कि षड्यंत्र का जाल बिछाना शुरू कर दिया और दोनों आपस में लड़ने लगे। इसी आंतरिक कमजोरी तथा मुगल सम्राट के साम्राज्य की बिगड़ती हुई दुर्दशा को देखते हुए उसकी परिस्थिति का लाभ उठाकर जो कि अहमद शब्दावली ने 1749 ईस्वी में पुनः जो है कि पंजाब पर आक्रमण किया, यानी कि बार बार मुगल साम्राज्य में आपसी गुटबंदी या किसी तरह से वो अपने में ही लड़ रहे थे, इसी का फायदा उठाकर विदेशी आक्रमण मुगल साम्राज्य में होना शुरू हो चुका था। तो क्या हुआ कि अहमद शब्दावली ने 1749 ईस्वी में पंजाब पर पुनः आक्रमण किया, लेकिन इस बार वह आर्थिक दंड लेकर वह वापस जो है कि लौट गया, कुछ रुपये पैसे कुछ जमीन कुछ जगह लेकर वह चला गया। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो अहमद शब्दावली ने 8 बार आक्रमण किया भारत। 1752 ईस्वी में यानी कि अहमद शब्दावली ने क्या किया कि पंजाब के राज्यपाल को पराजित कर दिल्ली की ओर बढ़ गया। दिल्ली की ओर बढ़ता देख जो साम्राज्य यानी कि सम्राट था अहमद शाह, वह घबरा गया और वह अहमद शब्दावली से छुटकारा पाने के लिए क्या किया कि पंजाब और मुल्तान जो है कि अब्दाली को देना स्वीकार कर लिया। पंजाब और मुल्तान जैसे अहमद शाह को डर लग रहा था, ऐसा ना कि अहमद शब्दावली हमारे यानी जो राजधानी है उस पर वो आक्रमण कर दे, उसको लूट ले, हमको मार दे, इस तरह से उसके मन में हमेशा जो कि डर की भावना बैठ गई थी हिंदुस्तान में, इसलिए उसने पंजाब और मुल्तान, क्योंकि पंजाब पर लगातार आक्रमण कर रहा था अहमद शब्दावली, इसलिए पंजाब और मुल्तान जो है कि अहमद शाह ने अहमद शब्दावली को दे दिया। ये शासक है अहमद शाह और जो आक्रमण था वो अहमद शब्दावली, तो उसने क्या किया यानी कि अहमद शाह ने अहमद शब्दावली को को क्या किया कि जो पंजाब और मुल्तान उसको दे दिया कि किसी तरह की हमसे अहमद शब्दावली से छुटकारा मिल जाए। इसी मूर्खतापूर्ण कार्य के कारण क्या किया कि इसका जो मुख्य मुगल साम्राज्य का मुख्य वजीर था इमाद उल मुल्क क्या किया कि जून 1754 ईस्वी में अहमद शाह को गद्दी से उतार दिया। जून 1754 ईस्वी में अहमद शाह को गद्दी से उतार दिया और उसे अंधा बनाकर सलीमगढ़ जेल में कैद कर दिया। किस जेल में? सलीमगढ़ जेल में। तो यह हो गया आपका अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह के बाद उत्तराधिकारी इसका कौन था? आलमगीर द्वितीय। कितने शासक उत्तरकालीन मुगल सम्राट के आप लोगों को प्राच के साथ ही 8वां होगा आलमगीर द्वितीय।
यह जो था 1754 से लेकर 1759 तक। यानी जब अहमद शाह जब राजगद्दी से उतर गया और उसके बाद जो है कि उत्तराधिकारी बना जहांदार शाह का द्वितीय पुत्र अजीज उद्दीन। और याद जो है कि यही बाद में जब सम्राट बना मुगल सम्राट तो इसने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। अजीज उद्दीन ने जो जहांदार शाह का बेटा था जब सम्राट बना तो आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की। राज्यारोहण के समय इसकी आयु जो थी 55 वर्ष की। जहांदार शाह के बारे में आप लोग पढ़ाए थे तो उसी का यह बेटा था और जब राज्यारोहण हुआ तो इसकी आयु कितनी थी 55 वर्ष। इन्होंने क्या किया कि इमाद उल मुल्क को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। और जो है कि इमाद उल मुल्क को जब प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया तो इमाद उल मुल्क जो था वह बहुत ही धीरे धीरे उसका स्वार्थ बढ़ता गया, वह स्वार्थी हो गया और जो वो राजस्व का जितना भी धन संपत्ति था कुल स्वयं हड़प लेता था, यानी अपने नाम से कर लेता था। और शाही परिवार में की यानी कि जो वहां के लोग थे शाही परिवार के, यहाँ तक कि उसके मुख्य मुख्य जो सेनानायक भी थे उनको भी भूखा रहना पड़ता था क्योंकि सारा संपत्ति जो है कि जो भी मिलता था कुल टैक्स से या किसी भी तरह से तो वो खुद ही हड़प लेता था इमाद उल मुल्क। आज 1756 ईस्वी में अहमद शाह ने क्या किया, जो अहमद शाहदावली जो था आक्रमणकारी तो उसने चौथी बार भारत पर आक्रमण किया। अहमद शाहदावली ने क्या किया, भारत पर चौथी बार आक्रमण किया और खूब लूटपाट किया। और इसने दिल्ली में जाकर भी खूब जो है कि यानी कि दिल्ली को तहस नहस कर दिया, खूब वहां पर जो कि हंगामा मचाया, खूब वहां लूटपाट किया। अहमदावली ने क्या किया कि आलमगीर की द्वितीय पुत्री के साथ विवाह भी कर लिया जबरदस्ती। और राज्य परिवार की अनेक स्त्रियां जो थी उस समय की 1759 की बात है तो शाही स्त्रियां जितना भी थी यानी उत्तरकालीन मुगल साम्राज्य की उस समय की आलमगीर द्वितीय के समय की उसे बंदी बना लिया और उसे बंदी बनाकर उसे ले जाकर अपने देश यानी कि चला गया, स्वदेश लौट गया। तो 1759 ईस्वी में इमाद उल मुल्क ने क्या किया कि आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दिया। क्यों कर दिया हत्या, तो यही कारण था कि वो मजबूत नहीं था और इधर इमाद उल मुल्क का जो कि लालचपन बढ़ रहा था इसलिए उसने क्या किया उसकी हत्या कर दी। हत्या करके जो कि उसके लाश को क्या किया कि लाल किला के पीछे यमुना नदी में फेंकवा दिया। तो यह हो गया आपका आलमगीर द्वितीय के बारे में। अब अगला हम शासक अगले